तो हम गए थे ज़रा नथिया गली, सोचा कुछ मेमोरीज बना ली जाएं। आई थिंक वी हैव रीच्ड द स्टेट बियॉन्ड एक्साइटमेंट एंड वी आर एट नाइस प्लेस नाउ। डाटा कॉपी कर रहा हूँ सारा जो इन दोनों हमने जो भी शूट किए, पर मसला ये लैपटॉप में स्पेस की कमी है, तो बताना किसी को नहीं। कुछ डाटा कार्ड में रख रहा हूँ और अगर कार्ड कुछ हो गया तो। हाय हमजा। हमजा हमारे फ्रेंड सर्कल में एक नई एडिशन है एंड ही इज अ नाइस गाय। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सो वी आर ऑन आवर वे टू गलियात। और रास्ते में लोगों की मुस्कुराहट से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां मौसम बहुत अच्छा है। और बस हम पहुंच गए। डिड यू फील द शिफ्ट इन एनर्जी? जी, इसलिए तो हमने म्यूजिक भी बदल दिया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली मुशपुरी की हाइकिंग एंड इट्स अबाउट ऑफ 2.5 आवर्स। आज मुशपुरी की हाइक ज़बरदस्त रही। आई गेस मेरी स्पोर्ट्स इंजरी रिकवर हो गई है। ओके, तो लेट्स डू द केटो बेस कैंप। अभी नहीं, ये ना हो मैं लंगड़ा हो जाऊँ। अच्छा, फिर फेरी मेडोज? हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है। चिकन आपको ताज होटल का बेहतर लगा या अल्पाइन की? मसाला ताज होटल का टाइप था। ये है यहाँ के बदमाश यानी के मंकीज, देखने में क्यूट मगर फुल बदमाश। ये है नथिया गली की मेरी फेवरेट ड्राइव्स। बहुत सारी सोर्सेज ऑफ साउंड्स हैं और जब आप पहाड़ों में होते हो तो दो चीजें होती हैं, एक हवा होती है और एक पानी, और वो हर साउंड की इफेक्ट कर रहे होते हैं। पीला पत्ता उसकी अलग, सूखा पत्ता उसकी अलग आवाज। आप वापस वहीं पे चले जाते हो जहाँ पे आप सदियों, हजारों, लाखों, अरबों साल पहले थे। कैफियत, कदीम कैफियत। वैसे मौसम बहुत टाइट है यार। पराठे भी काफी टाइट थे। नथिया गली में हो तो हर सुबह एक वॉक जरूरी है। वॉक थ्रू द पख्तनडीज, ऑन द रोड्स एंड ओवर सनाटा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी गलत जमाने में पैदा हो गई हूँ। मुझे तो कोई 2 मिलियन साल पहले पैदा होना चाहिए था। तुम बेसिकली रोमांटिसाइज करती हो पास्ट को, पर दुनिया आगे जहाँ जा रही है, आई एग्री, कुदरती आफात की तरफ जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जानवरों की पॉपुलेशन मिटने वाली है अगले 50 सालों में। देख रही है मुझको तेरी आंखें, देख रही है मुझको तेरी आंखें। सोते सोते ख्वाब जो आते हैं मुझे तेरे, जगह जगह बाल बनाती है तू सफेरे। दिल में जो भी बात आती है कर देंगे, ऐसे चुपे चुपे जीने से तो बेहतर है जो दिल में बोलो। तो डोंगा गली से जो ट्रैक अयोध्या का शुरू होता है वो ख़त्म होता है यहाँ पे अयोध्या के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द पाइपलाइन ट्रैक। और ये कोई करीबन कोई 4 किलोमीटर की वॉक है। इफ़ यू कैन डू दिस, हम तो चैम्पियंस हैं ना। तभी हमारे देखने वालों को भी मैं यही कहूँगी कि जहाँ जाना है, जिन खूबसूरत जगहों को देखना है, अभी जाके देख लो, क्योंकि अगले 50 सालों में हम ह्यूमंस इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आज ही बुक योर टूर्स विद रोड 35 एंड एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। नीला आसमान, बादलों के 2 टुकड़े, सर्दियों की धूप, हसीन पहाड़ और उन पहाड़ों में छोटे छोटे खूबसूरत घर, दोपहर की खामोशी जैसे मेरे बचपन में हुआ करती थी, आज़ान की आवाज़ के साथ परिंदों की आवाज़ें। गहरी सोच में डूबी अपने कमरे की खिड़की में बैठी मैं और मेरे सामने का मंजर, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ तो कनेक्शन है, मगर उलझ गई हूँ कि क्या। खैर, ये घर उन कंक्रीट जंगल से कितने अलग है ना। दे आर एडिंग टू द ब्यूटी। मतलब हम नेचर के साथ मर्ज होकर रह सकते हैं, क्योंकि हम भी तो नेचर हैं। फिर क्यों इंसान और इंसान की बनाई चीज़ें इतनी मिसफिट लगती हैं? as if we don't belong here. या शायद सच में we don't belong here. Self recognition कितनी बार इस टर्म का सामना हुआ है, मगर आज इस जगह बैठ के अजीब रियलाइजेशन हुई है. Like I always knew it, but never knew it. I am nature. मैं मदीहा हुसैन मंगोल नेचर हूँ. मुझे नेचर में ब्लेंड होना है. मैं कुदरत हूँ, मुझे कुदरत का हिस्सा बनना है. मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशा. आज शिद्दत से एहसास हुआ है. एक मीठा सा दर्द है, जैसे खुशी के आंसू होते हैं. शमा पोपो के हम शुक्र गुजार लाल अकबर के जिसने दरवाजा खोला. अब चले हम वापस घर यहाँ से. हमारा दिल है यहाँ पर, दिमाग को चैन आए.